क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए T20 श्रृंखला के पहले दो मैचों में दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीतकर श्रृंखला बराबर कर दी थी, लेकिन अब इस श्रृंखला के अंतिम और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से मात देकर इस T20 श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। इससे पहले दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत गजब की रही। भारतीय टीम की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए पहले विकेट के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप खड़ी की। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 5 छक्के और 6 चौके की मदद से केवल 34 गेंदों पर 71 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं उनके साथ बल्लेबाजी करने आए लोकेश राहुल ने भी गजब की बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 91 रन बना डाले। लेकिन मुकाबला उस समय ज्यादा रोमांचक हुआ जब भारतीय कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। विराट कोहली आते समय से ही गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। विराट कोहली ने इस तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से केवल 29 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम ने 241 रनों का विशाल लक्ष्य कैरेबियाई टीम के आगे रखा। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को शुरुआत से ही भारतीय टीम ने बांध के रखा। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पारी के दूसरे ही ओवर में वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया। वेस्टइंडीज की टीम पहले झटके से उबर नहीं पाई और एक के बाद एक विकेट गंवा बैठी, लेकिन एक छोर पर कप्तान पोलार्ड ने कैरेबियाई पारी को संभाला और बड़े शॉट खेलते रहे, लेकिन अंत में हर एक ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता थी और इसे बना पाना पोलार्ड के लिए भी नामुमकिन था। पोलार्ड भी फिर 15वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार के शिकार बने। उसके बाद तो वेस्टइंडीज की टीम ऊपर उठ ही नहीं पाई और ये अंतिम T20 मुकाबला हार गई। वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में हराने के बाद भारतीय टीम ने ये T20 श्रृंखला 2-1 से अपने नाम करके इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आपके मुताबिक भारतीय टीम की इस जीत का कौन सा खिलाड़ी असली हीरो है? आप उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।